वो जो है टोटल बनावटी बात बोल रहा है, वो अपना दर्द बयां कर रहा है, हकीकत है कि वो क्रोध की भाषा बोल रहा है। शायद वो जो है उसकी मानसिकता भारतीय नहीं है, भले वो राष्ट्र का खिलाड़ी रहा हो चाहे जो भी रहा हो मेरे भाई, लेकिन भारत में जितना मुसलमान हमारे भाई स्वतंत्र रूप से हैं और बढ़िया से हैं उतना किसी भी देश में नहीं है। पाकिस्तान की धरती पर मेरे भाई आज़ादी के समय में बंटवारा जिस समय हुआ था उस समय 23% हिंदू थे, आज की तिथि में 3% हिंदू रह गए हैं, आज की डेट में 3% हिंदू रह गए हैं, वो भी वो एक शरणार्थी के जीवन जी रहे हैं। आज भारत की धरती पर, भारत में ही जम्मू कश्मीर में हिंदू और ब्राह्मण जो है भगा दिए गए मार करके और कटोरा लेकर के दिल्ली में भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। उस समय उसका दर्द कहाँ गया था? उस समय जो है नसरुद्दीन का दर्द कहाँ गया था जब जम्मू कश्मीर से ब्राह्मण भगा दिए गए, पंडित भगा दिए गए और कोई पूछने वाला नहीं था? उस समय उसका दर्द कहाँ गया था जब जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारे लग रहे थे और पाकिस्तान दीजा जिंदाबाद बोला जा रहा था? उस समय उसकी जो है उसके हृदय का दर्द कहाँ गया था जब बम्बे में जो है आतंकवादी ब्लास्ट कर रहे थे और उस पर हंस रहा था? उस समय उसका दर्द कहाँ गया था जब मऊ की धरती पर एक ही दिन 110 जो है दुधिया यादव लोग मारे गए, मुलायम सिंह के जमाने में मारे गए और कोई पूछने वाला था? उस समय उसको डर नहीं लगता? भारत की धरती पर भी जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और कुछ आतंकवादी स्वभाव के लोग जहाँ वर्चस्व में हैं वहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल है। मुसलमान कहाँ कमजोर है? मुसलमान तो कमजोर केवल तब हुआ है उत्तर प्रदेश की धरती पर जब योगी जैसा महान नेता, हिंदूवादी नेता सीएम की कुर्सी पर बैठा है। तो मुझे खुशी है कि कम से कम कुछ ऐसा भी क्षण आना चाहिए जहां मुसलमान भी और मुसलमान भाई भी जो एंटी नेशनल हैं, जो सब मुसलमान नहीं, जो एंटी नेशनल मुसलमान हैं, कम से कम उनके मन में भय है कि आज पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे तो भारत की जेल की दीवारें उनका स्वागत करने के लिए खड़ी होगी और हथकड़ी उसका स्वागत करेगा, उसको जेल में जाएगा। कम से कम उत्तर प्रदेश की धरती पर एक संदेश चला गया है और ये जाना ठीक है।